दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Amazon की जो द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है उसमें मिलने वाले अमेजिंग स्मार्टफोन डिस्काउंट एंड डील्स के बारे में। बहुत तगड़े तगड़े डील्स वहां पर आपको मिल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे डील्स हैं, कुछ ऐसी भी डील्स हैं जिनकी तरफ आपको नहीं जाना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से फोन आपको नहीं लेने हैं, कौन से फोन लेने लायक है, कौन सी डील अच्छी है, कौन सी डील अच्छी नहीं है। सेम चीज मैंने करी है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में मिलने वाले डील्स एंड डिस्काउंट के बारे में। दो वीडियो बने हैं उसके पार्ट वन पार्ट टू करके, दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में दे दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, कहीं से भी जाकर के आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। उन वीडियोस को देखने के बाद में आप डिसाइड कर लोगे कि भाई कौन सी डील लेने लायक है, कौन सी नहीं लेने लायक है। सेम विद दिस वीडियो, Amazon से अगर आप परचेस करने वाले हैं तो ये वाले वीडियो को देख लो, डिसाइड कर लेना कि कौन सा फोन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कितनी डील मिल रही है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ तैयारियां आपको करके रखनी है, HDFC का क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपको जुगाड़ करके रखना है क्योंकि वहां पर आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा। उसी के अलावा अगर Amazon की प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई उनके लिए सेल 16 तारीख से ही चालू हो जाएगी, जो रेगुलर यूजर्स हैं उनके लिए 17 तारीख से चालू होगी, प्राइम मेंबर्स के लिए 16 तारीख से चालू हो जाएगी। तो कुछ ये तैयारियां करके आपको रखनी है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं, लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं Xiaomi के फोन्स के बारे में। Xiaomi के काफी सारे फोन्स आपको सेल पर देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो फोन है वो है Redmi Note 8, Snapdragon 665 का चिपसेट, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 12,499 रुपए में आज मिल रहा है, 11,499 रुपए में आपको सेल में मिलेगा। HDFC का कार्ड लगा लेते हो, डिस्काउंट लगा लेते हो, 1150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 10,350 रुपए में आपको ये फोन मिल सकता है। ठीक ठाक सा फोन है, मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं रहेगा क्योंकि उससे बेटर फोन सब अवेलेबल है। तो इस फोन की तरफ आपने को नहीं जाना है। जब आया था ये फोन 10,000 रुपए में मिल रहा था, यहां पर सेल में इतने सारे डिस्काउंट लगाने के बाद भी 10,000 में नहीं मिल रहा है, तो इस फोन की तरफ अपने को नहीं जाना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9 सीरीज की। Redmi 9A G25 का चिपसेट मिलता है, डुअल कैमरा शायद यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर प्राइस है 6,799 रुपए, आज की तारीख में 6,499 रुपए में आपको सेल में देखने के लिए मिलेगा। ऊपर से 650 रुपए का अगर आप ऑफ लगा लेते हो 5,850 रुपए में आपको फोन मिल जाता है। डिसेंट फोन हो सकता है, अगर रेगुलर यूसेज के लिए आपको लेना है, गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, ले सकते हो इस फोन को। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़े से अपर वेरियंट की तरफ, Redmi 9 की तरफ। G35 चिपसेट के साथ में आता है, प्राइस पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 8,999 रुपए में अभी मिल रहा है, सेल में भी 8,999 में ही मिलेगा, 900 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप कार्ड लगा लेते हो, इफेक्टिव प्राइस हो जाता है 8,100 रुपए। ठीक ठाक सा फोन है, इसकी तरफ देख सकते हो, पोको C3 जैसा ही फोन है तो देख सकते हो आप। बात करते हैं इसके आगे चलते हैं Redmi 9 Prime की। 10,000 के अंदर आने वाले वन ऑफ द बेस्ट फोन है Redmi 9 Prime। फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, G80 का प्रोसेसर मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, अच्छा फोन है। प्राइस पॉइंट की बात करते हैं 9,999 रुपए में आज भी मिल रहा है, सेल में भी आपको 9,999 में ही मिलेगा। HDFC का कार्ड डिस्काउंट लगाते हो 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फोन आपको मिल जाएगा लगभग 9,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर। 9,000 में अगर ये आपको फोन मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के डिस्प्ले के साथ में, ले सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं Redmi Note 9 की। G85 का चिपसेट, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, फुल HD प्लस का डिस्प्ले, अच्छा फोन है। 11,999 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में मिलेगा 10,999 रुपए का, 1,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 1,100 रुपए का कार्ड डिस्काउंट आपको मिल सकता है, 9,900 रुपए इफेक्टिव प्राइस हो सकता है। 10,000 के आसपास अगर आपका बजट है, बेस्ट फोन रहेगा ये फोन परचेस करने के लिए, जरूर से इसकी तरफ आप देख सकते हो। आगे चलते हैं Note 9 के बड़े भाई की तरफ, Redmi Note 9 Pro की तरफ। Redmi Note 9 Pro, Poco M2 Pro दोनों एक जैसे फोन है। Poco M2 Pro में थोड़ी सी बेटर स्पेसिफिकेशन मिलती है, तो ये वाला फोन तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी बता देता हूं 13,999 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में 12,999 रुपए का मिलेगा। ऊपर से आप कार्ड डिस्काउंट लगा लेना 1,300 रुपए के, 11,700 रुपए में ये फोन आपको मिल जाएगा। ठीक ठाक सा फोन है, लेकिन इसका बेटर वेरिएंट है Poco M2 Pro, तो वो वाला लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, वो वाला फोन थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है मेरे को। इससे और ऊपर चलते हैं, Redmi Note 9 Pro Max के बारे में बात करते हैं। 16,999 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में मिलेगा 15,999 रुपए का, 1,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, कार्ड अगर आप लगा लेते हो 1,600 रुपए का ऑफ हो जाता है, 14,400 रुपए में आपको ये फोन मिलता है। 720G का चिपसेट, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फुल क्लास बिल्ड, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 14,400 रुपए में लेना चाहते हो ले सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्लैगशिप की, MI 10 5G, अच्छा फोन है। 865 चिपसेट, 108 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन ओवर प्राइस फोन लगा था मेरे को उस टाइम पे, 49999 आज प्राइस है, 50,000 के आसपास मिल रहा है, 45,000 44999 के आसपास आपको सेल में मिलेगा, 2,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट लगा लोगे
42999 का आपको मिल जाएगा। ऊपर से 1000 रुपए एक्सचेंज बोनस भी यहां पर आपको मिलेगा, मतलब आप अगर अपना फोन एक्सचेंज करते हो तो फोन का इसका प्राइस इफेक्टिव हो जाएगा 41999 रुपए, माइनस आपके जो फोन का प्राइस आने वाला है 2000-3000 जो भी आता है वो और डिडक्ट हो जाएगा। तो अच्छी डील हो सकती है, इसकी तरफ अगर देखना चाहते हो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैमसंग की तरफ से मिलने वाली डील्स के बारे में। सबसे पहले है सैमसंग का एंट्री लेवल का फोन सैमसंग M01 कोर, 4999 रुपए में आज मिल रहा है। सेल में भी 4999 का ही मिलेगा, कार्ड डिस्काउंट अगर मिलता है इस पर तो 500 रुपए का और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 4500 रुपए में एक एंट्री लेवल का फोन लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक ठाक सा फोन है, सैमसंग की ऑफरिंग है। बात करते हैं उससे आगे चलते हैं, बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की। सैमसंग की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन मेरे को लगता है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, अच्छा फोन है। 13999 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में मिलेगा 12999 रुपए का। ऊपर से वही 1300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, 11700 रुपए में सुपर एमोलेड पैनल, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, लेना चाहते हो ले सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 की। 16499 रुपए में मिल रहा है, एक्सिनस 9611 का प्रोसेसर है, 16499 में आज मिल रहा है, 15499 में आपको सेल में मिलेगा, 1000 का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, 1550 रुपए का आपको ऑफ मिल जाएगा, प्राइस हो जाएगा 13950 रुपए। इसके साथ में एक ऑफर और है, लिमिटेड पीरियड का ऑफर रहेगा, 1000 रुपए आपको अमेजॉन पे बैक मिलेगा, मतलब जो आपका अमेजॉन पे बैलेंस रहता है उसमें आपको 1000 रुपए और इसमें मिल जाएंगे। मतलब पे तो आपको इतना ही करना है, 13950 रुपए डिस्काउंट अगर आप लगा लेते हो, लेकिन उसके बाद में 1000 रुपए आपको कैशबैक दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी डील हो सकती है, इफेक्टिव प्राइस 12950 रुपए हो जाएगा, अच्छी डील रह सकती है 12950 रुपए में M31। आगे चलते हैं, बात करते हैं M31 प्राइम की, जो कि अमेजॉन के लिए ही बनाया गया है। प्राइम नाम से आप समझ ही गए होंगे, अमेजॉन का फोन है, अमेजॉन की मेंबरशिप आपको इसमें मिलेगी। प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, 16499 रुपए प्राइस पॉइंट है, सेल में भी 16499 में ही मिलेगा, डिस्काउंट अगर आप लगा लेते हो 1650 का डिस्काउंट मिल जाता है, 14850 रुपए में आपको फोन मिलेगा, साथ ही में 3 महीने की अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप आपको इसके ऊपर मिल सकती है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक फोन है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, M31 जैसे स्पेसिफिकेशन है, देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं M31S के बारे में। काफी अच्छा फोन लगता है मेरे को भाई, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, कैमरास काफी अच्छे दिए गए हैं और डिस्प्ले काफी अच्छा मिलता है, चिपसेट वही 9611 का मिलता है। बात करते हैं प्राइस पॉइंट की, 19499 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में आपको मिलेगा 18499 रुपए का, इसके ऊपर आपको 1850 रुपए का ऑफ और मिल जाएगा, 16650 रुपए में अगर ये फोन आपको मिलता है, 6GB 128GB वाला वेरिएंट देख सकते हो इसकी तरफ, काफी अच्छा फोन है। और बेस्ट डील जो आपको सैमसंग के ऊपर मिल रही है वो है सैमसंग गैलेक्सी M51 पर, 7000mAh का बैटरा, साथ ही में स्नैपड्रैगन का 730G का चिपसेट, 64MP का कैमरा, ओवरऑल काफी तगड़ा फोन है। 24999 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में मिलेगा 22999 रुपए का, एडिशनल HDFC के कार्ड पर 2000 का आप डिस्काउंट ले सकते हो, 20999 रुपए के प्राइस पॉइंट पर सैमसंग का फोन, 7000mAh की बैटरी, 730G का चिपसेट, जरूर से इस फोन की तरफ देखना अगर आप लेना चाहते हो तो। फ्लैगशिप फोन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में। 49998 रुपीज का मिल रहा है, मतलब लगभग 50,000 के आसपास का मिल रहा है, 39999 रुपए 40,000 के आसपास आपको सेल में मिलेगा, 2000 का आप डिस्काउंट लगा लेना, 38,000 में आपको ये फोन मिल जाएगा। उसके अलावा इस पे एक्सचेंज बोनस वगैरह आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है, 38,000 में आपको ये फोन मिल सकता है अगर आपके पास में HDFC का कार्ड है। बड़े भाई की बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बारे में। S10 प्लस अभी मिल रहा है 52999 रुपए 53,000 रुपए के आसपास, सेल में आपको मिलेगा 44999 रुपए, मतलब 45,000 के आसपास, तो 8,000 का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, 2,000 का डिस्काउंट आप और लगा सकते हो HDFC का कार्ड अगर आपके पास में है तो, और इफेक्टिव प्राइस इसका कर सकते हो भाई 42999 रुपए, मतलब 43,000 में आपको S10 प्लस मिल सकता है। थोड़ा बहुत और पैसा मिला लोगे तो S20 प्लस ले लोगे भाई, 49,000 में तो S20 प्लस भी मिल रहा है, तो वो वाला ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। नोट 10 लाइट की बात करते हैं, नोट सीरीज में अगर आप जाना चाहते हो 9810 वाला, यहां पर आपको चिपसेट मिलता है, 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। प्राइस पॉइंट की बात करते हैं 37999 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में भी आपको 37999 में ही मिलेगा, कोई फ्लैट डिस्काउंट यहां पर नहीं दिया गया है, 2000 का आप कार्ड डिस्काउंट लगा सकते हो, 35999 में आपको ये फोन मिल सकता है। 36000 में नोट सीरीज का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो इस फोन की तरफ देख सकते हो। बात करते हैं वन प्लस की, सबसे पहले चलते हैं वन प्लस 8 5G की तरफ, 6GB 128GB वाला वेरिएंट 41999 रुपए का मिल रहा है, सेल में मिलेगा 39999 रुपए का, 2000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, 2000 का आप कार्ड डिस्काउंट ले सकते हो, इफेक्टिव प्राइस हो जाएगा 37999 रुपए, देख सकते हो अच्छा फोन है, फ्लैगशिप फोन है। वन प्लस नॉर्ड की बात करते हैं, 27999 रुपए में आज मिल रहा है, सेल में भी मिलेगा 27999 रुपए का, कोई फ्लैट डिस्काउंट नहीं है, 2000 का कार्ड डिस्काउंट आप लगा सकते हो, तो यहां पर आप ले सकते हो
भाई इस फोन को 25,999 रुपए में, जो अपर वेरियंट है 8 GB वाला उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वाला फोन आप 25,999 रुपए में ले सकते हो, अच्छी डील हो सकती है, जरूर से इसकी तरफ आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं OnePlus 70 Pro की, 43,999 में आपको मिल रहा है, अच्छा फोन है, 43,999 में आज मिल रहा है, 43,999 में आपको सेल में मिलेगा, 2,000 का आप डिस्काउंट लगा लेना हो जाएगा प्राइस इसका, 41,999, साथ ही में 3,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस यहां पर आपको मिल जाएगा, मतलब 3,000 रुपए और इसमें से कम कर लो, 38,999 माइनस आपके फोन की जो वैल्यू आ जाती है वो, तो इस फोन को आप इजीली बहुत कम में खरीद सकते हो अगर आप एक्सचेंज करते हो, इसकी तरफ आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं OnePlus 70 की, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला फोन, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन है इसके, और बात करें सेल में आपको मिलेगा 37,999 का, 2,000 का आप डिस्काउंट लगा लेना, 35,999, उसी के साथ में 2,000 का और एक्सचेंज बोनस भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक्सचेंज बोनस आप समझ ही गए होंगे भाई, 35,999 माइनस 2,000 एक्सचेंज बोनस आप कर लो, 33,999 माइनस आपके फोन की जो वैल्यू आ जाती है वो भी आप कम कर लो, तो अच्छे प्राइस में आप इस फोन को ले सकते हो अगर आप एक्सचेंज करने जाते हो। ये थी OnePlus की डील। आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं ओप्पो की, ओप्पो के बहुत सारे फोन अवेलेबल हैं लेकिन मैंने सारे यहां पर आपको नहीं बताए हैं, जो जो नहीं बताए हैं उनकी तरफ आपको नहीं देखना है, वो डील्स ऐसी हैं जिनकी तरफ आपको नहीं जाना है, या तो डील अच्छी नहीं है या वो फोन अच्छे नहीं है, तो उनकी तरफ आपको नहीं देखना है। जिन फोन की तरफ आप एक बार देख सकते हो वो फोन है पहला ओप्पो A53, स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, 12,990 रुपए प्राइस है, सेल में भी मिलेगा 12,990 रुपए का, ऊपर से आपको 1,300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा कार्ड पे और 11,700 रुपए इसका प्राइस हो जाएगा। 11,700 रुपए के प्राइस पॉइंट पर ओप्पो A53 नॉट रिकमेंडेड, पोको M2 Pro की तरफ चले जाना, काफी अच्छा फोन है। सैमसंग का फोन लेना चाहते हो तो M21 भी ले सकते हो सेम प्राइस पॉइंट पर, उसकी तरफ जा सकते हो, ओप्पो A53 की तरफ आपको नहीं जाना है। F17 की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, स्लिम फोन है, 17,990 रुपए प्राइस है, सेल में भी 17,990 का ही मिलेगा, 1,800 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, कार्ड पर 16,200 रुपए प्राइस हो सकता है, 16,200 रुपए के प्राइस पर स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इसकी तरफ अपने को नहीं जाना है, दूसरे फोन की तरफ आप देख सकते हो। F17 Pro MediaTek Helio P95 का चिपसेट मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, स्लिम फोन है, दिखने में अच्छा है। बात करते हैं प्राइस पॉइंट की, 22,990 रुपए प्राइस है, सेल में भी 22,990 का ही मिलने वाला है, ऊपर से आपको 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा 20,990 रुपए पर, MediaTek Helio P95 का चिपसेट नॉट रिकमेंडेड। बात करते हैं Oppo Reno 4 Pro की, भाई ये तो जब लॉन्च हुआ था तभी मेरे को ओवरप्राइस लगा था, तो अभी तो मैं रिकमेंड करने से रहा, फिर भी बात करें तो बता देता हूँ, 720G का चिपसेट मिलता है, हालांकि कैमरा काफी अच्छा मिलता है, डिस्प्ले काफी अच्छा मिलता है, लेकिन चिपसेट के कारण मात खा जाता है, 34,990 रुपए प्राइस है, सेल में भी 34,990 का मिलेगा, 2,000 का डिस्काउंट आप लगा लेते हो 32,990 का ये फोन हो जाएगा, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। बात करते हैं यहाँ पर फ्लैगशिप की, Oppo Find X2 स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट फ्लैगशिप फोन है, 64,990 रुपए प्राइस है, सेल में भी 64,990 रुपए में ही मिलने वाला है, साथ ही में प्रीपेड बोनस यहां पर आपको मिलेगा, 18,000 का डिस्काउंट, मतलब अगर आप प्रीपेड में बुक करते हैं फोन को 18,000 रुपए का सीधा आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस अगर HDFC के कार्ड से आप प्रीपेड करते हैं तो 2,000 का वो डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, इफेक्टिव डिस्काउंट हो जाएगा 20,000 के आसपास, 45,000 में आपको Oppo Find X2 Pro अगर मिलता है इसकी तरफ, Find X2 अगर आपको मिलता है इसकी तरफ आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं Vivo की, Vivo X50 730 का चिपसेट, अच्छा कैमरा यहां पर आपको मिलता है, 34,990 रुपए इसका प्राइस रखा गया है, सेल में भी 34,990 का ही मिलेगा आपको, 2,000 का डिस्काउंट आप लगा लेना 32,990 रुपए में आपको ये फोन मिल सकता है, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है। इसके बाद में इसके बड़े भाई की बात करें Vivo X50 Pro की, Vivo X50 Pro 765G का चिपसेट, 5G वाला फोन है, गिम्बल वाला कैमरा मिलता है, एक ही रीजन है इस फोन को परचेस करने का, अगर गिम्बल वाला कैमरा आपको लेना है उसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, 49,990 मतलब 50,000 रुपए के आसपास का फोन है, 50,000 में ही आपको सेल में मिलेगा, 2,000 का डिस्काउंट लगा लेना 48,000 में आपको ये फोन मिल जाएगा, मेरी तरफ से गिम्बल कैमरा अगर लेना है तो इस फोन की तरफ जाना, अदरवाइज इस फोन की तरफ नहीं जाना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ दूसरे फोन्स की, बचता है Honor 9A, P22 का चिपसेट है, एंट्री लेवल का फोन लगता है मेरे को, बजट सेगमेंट का फोन है, 9,999 रुपए प्राइस है, सेल में भी मिलेगा 9,999 रुपए का, ऊपर से 1,000 रुपए का डिस्काउंट लगा लोगे 9,000 के आसपास आपको ये फोन मिल जाएगा, 9,000 के प्राइस पॉइंट पर P22 चिपसेट नॉट रिकमेंडेड। Nokia 5.3 की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, आज मिल रहा है 13,999 रुपए का, सेल में मिलेगा 12,999 रुपए का, ऊपर से 1,300 रुपए का ऑफ लगाओगे 11,700 रुपए में आपको ये फोन मिल सकता है, अगेन नॉट रिकमेंडेड, पोको M2 Pro की तरफ जा सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी M21 की तरफ जा सकते हो। तो ये थी कुछ ऐसी लिस्ट
लिस्ट जो आपको मिलती है Amazon की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। कुछ अच्छी अच्छी डील्स हैं, कुछ डील्स आईफोन वगैरह की डील्स अभी तक नहीं रिवील हुई हैं तो वो मैंने नहीं बताई है, जैसे ही रिवील होगी वीडियो बना करके बता दूंगा। फ्लिपकार्ट की भी कुछ डील्स बची हुई हैं, अमेजोन की भी बची हुई है, तो एक ही में मर्ज करके बता दूंगा कि और कौन कौन सी नई डील्स आपको देखने के लिए मिलती है। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। बहुत गर्मी लग रही है भाई, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, 2 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ पंखा बंद करके, अब मेरे से बैठता नहीं बन रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।